नाइट स्टे जो है ना वो अताबाद लेक पे किया, लेकिन अताबाद लेक पे नाइट स्टे के बाद जो है ना यहाँ पे भी किया कि हमें कैंप से उठाया गया और हमें ये बताया गया है कि भाई यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, थोड़ा साइड में हो जाओ। तो अभी ब्लास्ट की आवाज़ सुनेंगे आप लोग। कैंपिंग की थी रात को, मगर दो दफ़ा कैंप ही उड़ गए सोते में। तो फिर उठ के जो है ना वो हमने कैंप की जगह चेंज की, रात गुजर गई है बस। अताबाद लेक की तरफ जा रहे हैं हम लोग, अताबाद लेक। तो अताबाद लेक का टनल आने वाला है और व्यू आप देख रहे हो। बाइक चला रहे हैं हम तो, बाइक बहुत मजे कर रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत सस्ते चैनल है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हाँ रात का भाई वक्त आ रहा है, आ गया पहाड़ों के बाद भाई आज उनकी सिविलाइजेशन सस्टेन रहती है बहुत ज़्यादा। अभी टनल के अंदर हूँ, टनल नजर आ गया। वेलकम 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 अताबाद लेक। भाई और बहनों, अजीज़ों, दोस्तों, मैंने कहा कि मैं फ़न करता रहूँगा और मैं जब से कंटिन्यू फ़न कर रहा हूँ मैं फुल एंजॉय भी कर रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है बहुत। थोड़ा सा दूर और थोड़ा सा ऐसे हो जाओ तो मज़ा भी हो रहा है, एंजॉय भी हो रहा है। और भाई बहुत अताबाद लेक आपने देख ली, मैंने इसका स्लोमो भी बनाया है, कुछ तस्वीरें भी खींची हैं वो दिखाता हूँ, और अभी पूरी अताबाद लेक भी दिखाता हूँ। यार बहुत खूबसूरत जगह है। और हम बलतीत के बाद जो है ना अताबाद लेक पहुँचे और यहाँ पर हम कैंपिंग करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारे बाइकर्स मिले,
और ये भी जो है ना, ये कुछ लोग लाहौर के हैं, कुछ नवाब शक हैं। भाई आपका नाम क्या है? उमर। ये उमर भाई मिले हमें, इनका ताल्लुक नवाब शाह से है और ये हमें यहाँ मिले, हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और ये भी भाई, इनका भी ताल्लुक नवाब शाह से। तो मैंने जैसे बताया आपको कि हर जगह के लोग बहुत अच्छे मिल रहे हैं भाई। अब ये नवाब शाह से यहाँ तक आए और ये तो आई थिंक कराची में ही रहते हैं। ये ऑलमोस्ट भाई हमारे एरिया के ही हैं, लेकिन कभी मैंने एक आधा पता नहीं देखा, नहीं देखा याद नहीं आ रहा। लेकिन फिलहाल अताबाद लेग पेन से मुलाकात हुई है, अब आगे इनके बारे में डिटेल बाद में बताऊँगा, पहले आपको लेग दिखाता हूँ। हम भी इंस्पायर हो गए आपसे, हम लोग ने भी मोटर व्लॉगिंग शुरू की है, मोटर व्लॉगिंग तो नहीं लेकिन ट्रैवलिंग शुरू की हमने। और फर्स्ट ट्रिप है हमारा ये बाइक टूर का, और अभी हमने गिलगित बल्तिस्तान पूरा डिस्कवर किया और इंशाल्लाह आगे भी फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। और मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से सब्सक्राइबर निकल रहे, मुझे सच में नहीं पता। भाई बोल रहे मैंने चैनल देखा है, मुझे नहीं पता। अगर आप देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करो भी भाई की तरह। ओके थैंक यू। तो खुशी खुशी पता क्या हो रही है? खुशी ये हो रही है कि आपको इस तरह सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं, मतलब हमारे दोस्त मिल रहे हैं। और भाई ने मेरा चैनल देखा होगा तो अभी यहाँ मिले तो बड़ा एक इंस्पिरेशन वाला सिलसिला हुआ। दूसरी चीज़ ये हुई कि बाइक देखने के बाद ना लोग बाइकर्स को पहले कभी तो आवारा शवारा टाइप के कहते थे, मतलब जब आपका गेटअप अच्छा हो, आपके पास इक्विपमेंट अच्छा हो, आपके पास चीज़ें अच्छी हों, तो फिर ये होता है कि आपके मामला जो है ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब ये जो अताबाद लेग का सिलसिला है तो ये सीन ये है कि आगे फैमिली पिक्चर बनवानी थी इसलिए मैं ज़्यादा उधर गया, नहीं तो हम उस तरफ चलते हैं क्योंकि लेग पूरी ही है यहाँ पर भाई। और जो है ना जहाँ बाइकर्स मिल जाते हैं वो देखें, गैदरिंग ऑटोमेटिकली जम जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ के बाइकर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह के, कुछ सियालकोट के, कुछ लाहौर के। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि अताबाद लेग के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें। अगर बाइक जो है ना अताबाद लेग पर, मैंने हालांकि खानपुर पर चला ली थी, खानपुर में मैंने आपको चला के दिखा दी, मतलब मैं यहाँ भी चला था। अगर खानपुर पर मैंने नहीं चलाई होती तो मैं यहाँ भी चलाता और आपको फिर मज़े कराता, लेकिन ये सिनेरियो ऐसा है तो खूबसूरत बहुत ज़्यादा है और साथ में ग्लेशियर्स। और इसकी एक ज़बरदस्त सी बात मुझे बताई, आई डोंट नो, परफेक्ट नहीं पता, तो ये जो है ना पासू पोन्स भी नज़र आ रही है यहाँ से, ऐसा अमर भाई ने बताया मुझे, पासू पोन नज़र आ रही है, हो सकता है, हो सकता नहीं। तो अभी जो है ना नीचे चलते हैं और बाइक को, और मैं आपको एक छोटा सा स्लोमो दिखाता हूँ पूरी लेग का, ठीक है? तो फिर यहाँ से चलेंगे, और नहीं चलेंगे नहीं, यहाँ पे सीन ये है कि यहाँ पर कैंपिंग करेंगे, सुबह यहाँ से निकलेंगे। इरादा था सुस्त पे रुकने का, लेकिन अब जो है ना टाइम ऐसा हो गया है कि वो हम यहीं रुकेंगे अताबाद पे और यहीं मज़े करेंगे, यहीं चिल करेंगे, रात में कैंपिंग भी यही होगी, सारा जो मंजर है वो यही होगा। तो एक एरियल व्यू दिखाता हूँ पूरी लेग का, उसके बाद मुझे इजाज़त दें, और डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन और इन्जॉय करें मेरे साथ और कीप वॉचिंग। इसके बाद वाले जो ब्लॉग्स हैं वो भी देखते रहिएगा, इसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं एक और जगह का ब्लॉग दिखाता हूँ, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, आपको एक मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ। भाई हाँ, नहीं धोए ऐसे कहेंगे आज।
भाई वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मोमेंट है हमारे लिए ये, क्योंकि हम इस वक्त अताबाद लेक, ये रही हमारे सामने, नज़र नहीं आएगी रात में तो, यस तो अताबाद लेक के साथ बैठ के बिल्कुल हम अपना कैंप लगाया है ये बिल्कुल अताबाद के साथ। और अभी नाश्ता तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि मोबाइल लेट डिनर। अच्छा हमने किस तरह से इसको यहाँ पे बल्ब लगाया दिखाएं आपको, ये देखो ये ऊपर एक मोबाइल लटकाया है और नीचे ना जो है ना वो डिनर स्टार्ट हो गया है। और ये हमारे भाई हैं जिनकी बदौलत हम ये सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, परमिशन इन्होंने दिलाई है और बैठना भी सब कुछ। तो भाई बस अब खाना स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें करेंगे सुबह, मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। नाइट स्टे जो है ना वो अताबाद लेक पे किया, लेकिन अताबाद लेक पे नाइट स्टे के बाद जो है ना यहाँ पे भी ये किया कि हमें कैंप से उठाया गया और हमें ये बताया गया है कि भाई यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, थोड़ा साइड में हो जाओ। तो अभी ब्लास्ट की आवाज़ सुनेंगे आप लोग, हो सकता है आवाज़ भी आए। चलो साइड होने तो बोला भाई, ये देखें हो सकता है ब्लास्ट की आवाज़ भी आएगी आप लोगों को, सुनते हैं ब्लास्ट की आवाज़ कैसी होती है। जो पहाड़ वहाड़ों में ब्लास्ट होता है ना वो वाला है ब्लास्ट, सुनते हैं देखते हैं कैसी आवाज़ आती है क्या नहीं आती। अब भाई देख छोटा छोटा हमने बोला बहुत बड़ा होगा, बेकार है हमने डाल ली वीडियो। गुड मॉर्निंग आताबाद लेक पर जो है ना सुबह सुबह अभी मॉर्निंग हुई है, कैंपिंग की थी रात को मगर दो दफ़ा कैंप ही उड़ गए सोते में, तो फिर उठ के जो है ना वो हमने कैंप की जगह चेंज की। रात गुजर गई है बस अताबाद लेक का व्लॉग लोग जो है ना वो उठ के व्लॉग शुरू कर दें, मैं व्लॉग उठ के ख़त्म करने का सोच रहा हूँ, लेकिन मैं अब ख़त्म नहीं करूँगा तो बल्कि कर देते हैं छोड़ो। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन एज वेल एज यू गाइस ऑलरेडी नो के यार क्या करना होता है। तो आप चलते हैं आगे इसी रास्ते पर, हो सकता है जो हमें पासुकोन से मिलेंगी, तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह पासुकोन से हुंजा वो हुंजराब का होगा। तो कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।